लोग यहाँ पे सुबह उठी हूँ मैं, ठीक है। मैंने जैसे ही कर्टन पीछे किया, सामने ये मंजर था और आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या ही उस टाइम फील आई है। पहुंच चुके हैं वोटिंग करने। कैसा मजा आया ना जेट स्की करके। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज हमारा डे 3 है हुंजा में। हम रात को हुंजा पहुंच गए थे अताबाद लेक, वहां पे हमारा स्टे था। अभी सुबह उठे, हमने ब्रेकफास्ट किया है और अब हम निकल रहे हैं जाके आज का दिन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को रूम टूर करा देती हूँ थोड़ा सा। यहाँ से एंट्रेंस है, ठीक है, यहाँ पर रूम है। यहाँ पर पहले सबसे पहले वॉशरूम आता है, तो वही दिखा देते हैं। ये वॉशरूम है, बस ठीक है, साफ है, ये शुक्र है। और कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं चलती रूम में, और बस ये चलती है और हम यहाँ पर रात से चीज़ें चार्ज कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से नेक्स्ट आके ये कबर्ड अभी ज़ेर तमीर है, अभी बन रही है, ठीक है। ये बेड, ये दूसरा बेड कि अगर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो जाए तो एक वहाँ सोए, जहाँ इंतज़ार था आप सोए थे ना रात। ये जहाँ पर हमने गन डाला हुआ है, ये हस्बैंड गंदा। आपने गंद क्यों डाला? रिस्पांसिबल क्या है, मुझे गंदी आ रही है। ये मैं, अच्छा अब आगे चले, आपको कुछ और दिखाते हैं, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट चीज। अताबाद लेक, लेक व्यू रूम हमने लिया था। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव था दूसरे रूम से, लेकिन यहाँ पे व्यू देख के ना पैसे पूरे हो गए। मतलब ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से हम पीछे करते हैं, यहाँ से जाएंगे बाहर। ये देखें, ये छोटी सी बालकनी टाइप उन्होंने दी हुई है। और ये रहा हमारी ड्रीम प्लेस का मंजर। वो लग से सुन रहा है वो सामने। यहाँ सुबह उठ के जब आँख खुली है ना, रात को हम पहुँचे थे, रात को ना हम पहुंचे थे ना तकरीबन अराउंड 10 बजे, तो तब अंधेरा था तो कोई नज़र नहीं आया था। हमने वैसे कहा कि यार अताबाद लेक है। अब हम लोग यहाँ पे सुबह उठी हूँ मैं, ठीक है। मैंने जैसे ही कर्टन पीछे किया, सामने ये मंजर था और आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या ही उस टाइम फील आई है। मैं हमेशा सोचा था कि अताबाद लेक जाना है, जाना है, जाना है, और आज जब ऐसे उठते सात आंखों के सामने देखी है तो बहुत फिट लगा, बहुत फिट। और चीज़ें देखें, अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे, हमने जेट स्की करनी है और बोटिंग करनी है, उसके बाद फिर हम लोग के आगे के प्लान्स हैं वो मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी। गंदे पराठे और शदीद गंदी चाय। कैसा दिया? पहुंच चुके हैं और बोटिंग करने जा रहे हैं। जेट्स की करेंगे आप? मजे। पहुंच चुके हैं बोटिंग करने।
मजा आया ना जेट स्की करके। कैसा? बहुत बढ़िया। अगर आपने मुझे सही चलाने दी होती तो खुद आप चला रहे थे। हैवी ड्राइवर हो बेटा, हैवी ड्राइवर, बहुत हैवी ड्राइवर हो। ये तुम्हें अकेले चलानी थी। जाओ पिंक वाली, ये तो रेड है, पिंक नहीं है वो पिंक, वो पिंक, पिंक अच्छा, उसको पिंक कहते हैं। ओके चलें कहाँ? बोटिंग करें, बोटिंग। अपने कराची बॉयज हैं ये। कैमरे को देख के हाथ ला दे, आपके साथ प्रैंक हुआ है। उस जगह पे क्या है खाना? अंडे वाला बर्गर। अंडे वाला बर्गर खाना? मेरे लिए अंडे वाला बर्गर। फ्राइज खानी गंदी वाली? पानी तो है। फिर खिला देंगे। वेरी नाइस। अच्छा गाइज, यहाँ पे हम लोग निकल पड़े हैं जी अपने आगे के सफ़र के लिए, और हम जा रहे हैं खुंजराब पास। और यार अताबाद लेक मैं नहीं बता सकती, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है बताने के लिए कि अताबाद लेक कितनी प्यारी है, कितनी ज़्यादा प्यारी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी है यार। वहाँ जाके ना आप खो जाते हो, आप किसी और ही दुनिया में चले जाते हो, कसम से यार बहुत ज़्यादा प्यारी। मतलब आपको यकीन ही नहीं आता कि आप ये जो आंखों से देख रहे हो ये लाइव है या आपका ख्वाब है। मतलब ऐसा है, मतलब मुझे तो बहुत ही क्रेज़ था। मुझे जो सबसे ज़्यादा अपने टूर पे जिस चीज़ का क्रेज़ था ना, वो था ही अताबाद लेक जाने का। और मतलब जब मैंने देख ली उसके बाद, तो मैं कहती हूँ कि मेरा दिल अब बार बार यही है कि यार जब भी जाना है ना घूमने, अताबाद लेक ही जाना है। मतलब मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई है वो वैसे भी। तो यार उसकी बात बस मैं क्या बताऊँ, आप में से जो जो गए हुए हैं वो मेरी बात समझ सकते हैं, और जो जो जाएंगे वो जब जाके देखेंगे तो इस बात को वो अंडरस्टैंड करेंगे।